हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको फोटोशॉप के सिलेक्ट मेनू के बारे में बताएंगे। ये हमारी फोटोशॉप की सीरीज चली हुई है और ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने किसी भी पार्ट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को फाइंड कर सकते हो, या आप हमारे चैनल पर जाके भी वीडियो को फाइंड कर सकते हो और समझ सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको सेलेक्ट मेनू के बारे में समझाएंगे और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और कुछ नया सीखोगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही नाम से ही पता लग रहा है कि सिलेक्ट, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ सिलेक्ट से संबंधित होगा। बिल्कुल सही है, ये सिर्फ जो हम कोई सिलेक्शन देते हैं ये उसी से संबंधित वर्क करता है। जहाँ पर सिलेक्ट में जब हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास है ऑल। ऑल का मतलब भी जो भी हमारे सामने खुला हुआ है वो सारा सिलेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर लेते हैं हम जब हम थोड़ी सिलेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ, या मैं कुछ बना ही लेता हूँ यहाँ पर। ये भी हमारे जो लेयर में ही काउंट होते हैं। तो जैसे मैंने तीन फिगर बना लिए जो कि अलग अलग नाम से यहाँ पर शो हो रहे हैं आपको। तो इस टाइम मैंने रेक्टेंगल नंबर 3 सेलेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ पर आल पे आऊँगा और यहाँ पर मैंने कर दिया ऑल सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक सिलेक्शन आ चुकी है चारों तरफ। तो ये सिलेक्शन ये बताती है कि ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है जो फ्रंट में आपकी लेयर होगी, मतलब जो बैक में लेयर चली गई है उसका कोई भी हिस्सा सिलेक्ट नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसकी सिलेक्शन हटाता हूँ। अब जैसे मैंने क्लिक कर रखा है रेक्टेंगल 3 पे, या मैं 2 पे भी सिलेक्ट करता हूँ, तो इस टाइम 2 जो है एक्टिव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कोई ब्रश यूज़ करता हूँ, ये मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो लेयर नंबर 2 पे चल रहा है हमारा वर्क, या लेयर नंबर 3 पे वर्क सॉरी 2 पे चल रहा है। अब मैं यदि यहाँ पर लेयर नंबर 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन तो आ गई है, लेकिन ये सिलेक्शन सिर्फ लेयर 2 की सिलेक्शन है। देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट और रह गए हैं जो कि लेयर 3 और लेयर 1 के थे। यानी यहाँ पर ऑल सेलेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि जितनी भी लेयर हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ऑल लेयर यहाँ पर आएंगी। ठीक है, ये सिर्फ करंट में जो लेयर एक्टिव है उस पर कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको ये सिलेक्ट कर लेता है। डी सेलेक्ट करना है तो आप डी सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो सिलेक्शन हट जाएगी। ठीक है, तो यानी समझ गए हो गया आप कि ऑल सेलेक्ट में सभी वर्क जो है सिलेक्ट नहीं होता, वही वर्क सिलेक्ट होता है जो आप लोगों ने सिलेक्ट करा। री सेलेक्ट करेंगे तो वही एरिया वापस से सिलेक्ट हो जाएगा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, इनवर्स है ये भी। ये इनवर्स ये होता है कि जो भी पूरा एरिया वो आपका एक तरह से सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो भी करंट या जो एक्टिव लेयर का। अब आती है बात लेयर की, पहले हम सिलेक्शन हटा लेते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए देखो यहाँ से आप डी सेलेक्ट कर सकते हो या कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हो। मैं जैसे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से ये सिलेक्शन हट जाएगी। तो ये थी हमारी सिलेक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास सिलेक्ट के अंदर ऑल लेयर। लेयर का मतलब ये होता है यहाँ पर जितनी भी लेयर होती हैं, जैसे हमने 3 लेयर ले रखी हैं, तो यहाँ पर यदि मैं ऑल लेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये लेयर जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं यदि मूव करता हूँ तो इसे हम बोल सकते हैं ऑल सेलेक्ट। बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं होगा, जितने भी लेयर होंगी ऊपर की साइड वो सारी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। वही डी सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्शन हटा सकते हो। अब उसके बाद है यहाँ पर फाइंड लेयर। फाइंड लेयर का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है उसमें काफ़ी सारी जो है आपकी लेयर्स हैं, जैसे मैंने इस लेयर का नाम टेक दिया ABC। ठीक है, अब मुझे मैं हूँ इस टाइम लेयर नंबर 3 पे और मुझे ABC वाली लेयर ढूंढनी है जो कि शायद नीचे हो सकती है। जब हमारे प्रोजेक्ट लंबे हो जाते हैं तो काफ़ी सारी लेयर आ जाती हैं, तो हम यहाँ पर लेयर में आएंगे सॉरी सेलेक्ट में आएंगे, यहाँ पर फाइंड लेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर एक आइकन आ जाता है, यहाँ पर नेम के बारे में बोलता है, हमने लिखा ABC। ठीक है, तो वही लेयर हमारे यहाँ पर सामने आ जाती है। तो ये है हमारा लेयर सेलेक्ट लेयर सॉरी फाइंड लेयर, ये हो गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास कलर रेंज। कलर रेंज का मतलब ये होता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये हमारी एक्स्ट्रा की लेयर है, मैं हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप डिलीट भी कर सकते हो, फिलहाल तो मैंने हाइड करनी। तो ये जैसे ABC वाली लेयर है और मुझे इस पर कोई पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना है, जैसे ब्लू कलर आया हुआ है इसमें, ग्रीन कलर आया हुआ है इसमें, या येलो कलर, ये कुछ इस प्रकार का कलर आया हुआ है। तो हम यहाँ पर आएंगे और कलर रेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने कलर रेंज पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखना कि कुछ ब्लैक एंड वाइट टाइप से आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने रेड पे क्लिक किया तो रेड जो है इसके अंदर जहाँ होगा वहाँ पर कुछ इस प्रकार का एरिया आएगा। चलो हम यहाँ से ब्लू करते हैं, तो ब्लू जहाँ था वहाँ पर इस प्रकार के सिलेक्शन आ चुकी है, मतलब बता रहा है ब्लू यहाँ यहाँ पर है, सियान यहाँ यहाँ पर है। सपोज करो मैंने ब्लू पे क्लिक कर दिया, ठीक है, आप उसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, बस आपने यहाँ पर कोई भी कलर चूज करना है, चूज करने के बाद ओके करोगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लू होगा वहाँ वहाँ सिलेक्शन आ चुकी होगी। अब इसको आपने डिलीट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, क्या करना है, मतलब सेम कलर जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से फिर देखते हैं, अब की बार हम येलो कलर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट में गए, यहाँ पर कलर रेंज में गए, हमने येलो कलर पे क्लिक किया और यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर येलो कलर आया हुआ था, यहाँ पर पूरा येलो कलर नहीं आया हुआ था, ठीक है। दोबारा फिर देखते हैं, ग्रीन कलर देखते हैं अब की बार। तो ग्रीन कलर पे मैंने क्लिक किया, ये ग्रीन और जो कि यहाँ पर ही है पर्टिकुली, तो इसने यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया, वही प्रॉपर ग्रीन कलर यहाँ पर है। थोड़ा बहुत लाइट डार्क होगा वो उसको नहीं सिलेक्ट करेगा, प्रॉपर उसको सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ से आप पर्टिकुली किसी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल और है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा कलर नहीं थे पर्टिकुली कलर। अब ये है, इसके अंदर ये रेड कलर है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट में गया, मैं कलर रेंज पे गए, हमने रेड कलर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आप देखो यहाँ जहाँ जहाँ रेड कलर था वहाँ वहाँ सिलेक्शन आ चुकी है। तो आप इस प्रकार कोई किसी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफाइन एज। रिफाइन एज का मतलब क्या होता है, जो आपके सिलेक्शन है, यानी एक बार यहाँ पर हम वापस आते हैं, मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये एरिया सिलेक्ट किया, तो ये जो कॉर्नर होते हैं इनको एज बोलते हैं। अब इनमें आपने कोई छेड़खानी करनी है, छेड़खानी का मतलब इसमें आपने कोई इफेक्ट डालना है। अभी आप देखना यहाँ पर व्यू अलग अलग आएंगे कि आपको इस प्रकार देखना है, इस प्रकार देखना है, कैसा देखना है, अलग अलग व्यू आ जाएंगे। चलो ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पर, जैसे आपने इसकी रेडियस को थोड़ा चेंज कर दिया, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू अगर नहीं दिख रहा तो ये जूम करके आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी रेडियस पे ध्यान दो, तो इसकी रेडियस पे इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर स्मूथ करना है, आप स्मूथ कर सकते हो, देखो स्मूथ हो रहा है। फीदर करना है, फीदर हो जाएगा, देखो ये फीदर हो गया, ये कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये देखो ये एज आ रहे हैं इसमें। और यहाँ पर शो करना है, यहाँ पर ओरिजिनल देखना है, तो कैसे देखना है आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जैसी भी आपको सेटिंग लगती है उसको ओके कर देना, वो वैसी सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ पर देखो ये सिलेक्शन आ गई है, तो ये सिलेक्शन आपने दी थी इसलिए ये वाली सिलेक्शन बनी है। नेक्स्ट है, मैंने अंडू कर दिया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी कुछ कुछ ऐसा ही है हमारा, कहाँ गए, सॉरी। इसके लिए हम वापस से एक सिलेक्शन देंगे। तो यहाँ पर मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब क्या है कि जो आपने सिलेक्शन दे रखी है, ज़रूरी नहीं रेक्टेंगल की दे रखी है, कैसी भी सिलेक्शन हो सकती है, ये तो रेक्टेंगल पे ही चलेगा आपका। और यहाँ पर आपने जैसे बॉर्डर, बॉर्डर में कोई चेंजिंग लाना है, अभी देखना मैंने यहाँ पर 9 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर 15 कर दिया, तो इसके बॉर्डर में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉर्डर में चेंज आ गया था। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें अलग अलग है, जैसे अब मान लो मैंने फीदर ही करना है, तो फीदर पे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पर 20 डाल दिया, तो फीदर करूँगा तो देखना क्या होगा, इसके कॉर्नर जो है राउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भी आपको लगता है सेटिंग करनी है आपने सिलेक्शन की, आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग है। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो अभी मैं आपको जब करा रहा था कि सिमिलर कलर सेलेक्ट होता है, ग्लो ग्रो में क्या होता है, जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ब्लू कलर आया हुआ है, तो जैसे मैं ग्लो सॉरी ग्रो पे क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ ब्लू कलर होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन एक नीचे दिया गया सिमिलर। अब सिमिलर में क्या है, वापस से हम सेलेक्ट करते हैं और सिमिलर पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने सिमिलर पे क्लिक किया तो यहाँ पर वही एरिया इसने सेलेक्ट किया जहाँ पर सेम कलर था,
तो ग्रो में क्या था, देखो ग्रो में क्या है, देखो डिफरेंस हल्का सा है। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन दी और जब मैंने ग्रो पे क्लिक किया तो ध्यान दो कि जो इसके अराउंड सेम कलर था इसने वो सिलेक्ट किया है जो इसके चारों तरफ था। अब यहाँ पर बाउंड्री क्रॉस करने के बाद दूसरा कलर आया, यहाँ पर हल्का सा ये ब्लू आया, और तो सिमिलर कलर जहाँ भी होगा आगे पीछे तो ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। दोबारा से फिर देखो, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमने सिमिलर पे क्लिक किया, देखो सिलेक्शन यहाँ भी आ गई है। तो यहाँ क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर ये सेम कलर था। ठीक है, ऐसे वापस से फिर देखे, मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया और यदि मैं ग्रो पे क्लिक करता हूँ तो सेम सेम कलर जहाँ होगा इसने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर यही कलर यहाँ भी होता या यहाँ होता तो वो भी आपको सेलेक्ट करना है तो आपको सिमिलर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिमिलर पे क्लिक किया तो सिमिलर में हल्की सी यहाँ पर आपको शायद ना दिखे, हल्की सी सिलेक्शन यहाँ भी आ गई है क्योंकि शायद ये वाला कलर यहाँ भी आया हुआ है। तो ये होता है सिमिलर कलर। एक बार मैं दोबारा से फिर किसी अनदर पिक्चर पे आपको दिखा दूँ, इसमें काफ़ी सारे कलर हों, जैसे ये है, ठीक है, एक पिक्चर है हमारे सामने। तो मैंने जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर पे ऐसे क्लिक कर लिया, ये आई थिंक ग्रीन टाइप है कुछ, तो मैं सिमिलर पे क्लिक करता हूँ तो सिमिलर जहाँ जहाँ ये सेम कलर होगा देखो उसने सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ भी कर लिया। लेकिन अगर मैं ग्रो करूँगा यहाँ पर तो ये इसके अराउंड जो आसपास कलर होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। ये देखो ये वाला सिलेक्ट हो गया लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन नहीं गई। अगर ये वाला भी एरिया सिलेक्ट करना हो आपने तो सिमिलर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मतलब सेम कलर को ये सिलेक्ट करते हैं दोनों। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने सिलेक्शन दे रखी है, जैसे मैंने ये सिलेक्शन दे रखी है तो इस सिलेक्शन को मैंने रोटेट करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ एज आ जाएंगे। इन एज को आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, कैसे भी आपको रखना है आप इसको रख सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सिलेक्शन आ गई। अब जिस भी सिलेक्शन पे आपने लेना था सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने कट करना है, कॉपी करना है, क्या करना है उसी सिलेक्शन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिट इन क्विक मास्क मोड। इसमें क्या होता है, हम किसी सिलेक्शन को क्विक यानी जल्दी से मास्क में कटिंग कर सकते हैं या मास्क में उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए मेरे पास चलो यही है, मान लो ये एक इमेज है, मैं इसकी मास्किंग लेना चाहता हूँ क्विक से जल्दी से, तो करना क्या होगा मुझे, करना कुछ नहीं है, आपने कोई सिलेक्शन देनी है। सपोज करो मैंने सिलेक्शन दे दी, ठीक है, सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से क्विक मास्क पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इस सिलेक्शन पे अगर आपने कोई छेड़खानी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप यहाँ से ब्रश लोगे आप इस एरिया को भी मतलब अपने हिसाब से ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्शन दे दी, अब देखना होगा क्या। तो उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, मतलब कोई भी एरिया आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिट इन क्विक मास्क मोड पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कुछ नहीं, ये निशान हटा देना है। अब हटाने के बाद क्या होगा, अब ये एरिया एक सेलेक्ट हो चुका है, अब इसको मैं कट करूँगा तो वहाँ पर वही एरिया कट हो जाएगा। मतलब एक तरह से सिंपल मास्किंग है, आप उस एरिया को कट कर सकते हो यानी मास्किंग के द्वारा, यानी ये एक मास्क है जो अभी आपके सामने आया था। ठीक है, ये रेड कलर में जो अभी आया था आपके सामने, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ, यदि आपको मास्किंग करनी है इसकी, ऐसे मैंने एरिया सेलेक्ट किया और क्विक मोड पे क्लिक करें तो मास्क मोड जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको कोई भी मास्किंग करनी है तो आप कर सकते हो। तो वापस करेंगे, अब नेक्स्ट है सेलेक्ट के अंदर लोड सिलेक्शन। लोड सिलेक्शन का मतलब है यदि आपने कोई सिलेक्शन दे रखी है आप उसको लोड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको चैनल आ जाएंगे, लेकिन कोई सिलेक्शन का नाम नहीं आ रहा अभी। इसके लिए आपको कोई सिलेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। मैं दो तीन सिलेक्शन ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। सेव सिलेक्शन पे जाके इसको जैसे ए बी सी मैंने नाम दे दिया इसको, ओके, ठीक है। और एक एरिया में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं एक्स वाई जेड के नाम से, ठीक है, ओके। अब मुझे ए बी सी वाला एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने कोई एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर रखा जिसको आपको मतलब अपने प्रोजेक्ट में बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो आप उसको उस सिलेक्शन को किसी पर्टिकुलर नाम से सेव कर सकते हो। जैसे हमने अभी दो सिलेक्शन दिए, तो यदि वही सिलेक्शन आपको इन फ्यूचर
बाद में या प्रेजेंट में कभी भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो आपको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ से लोड सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आपके नाम आ जाएंगे वैसे तो अपने आप ही। तो जैसे ABC आ गया, कुछ नहीं करना, ओके करना, यहाँ पर वो सिलेक्शन आ जाएगी। इसके बाद कट करना, कॉपी करना, वो आप कर सकते हो। या मुझे यहाँ पर XYZ वाला करना था, तो हम आएंगे यहाँ पर लोड पे और यहाँ से XYZ और ओके, ठीक है। तो यहाँ से वो वाली सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग सिलेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 3D मोड, मतलब इसमें एक तरह से हम अपनी इमेज को 3D में सेलेक्ट करते हैं या 3D में कन्वर्ट करते हैं, यही आप मान सकते हो। इसके लिए आप कोई सिलेक्शन दोगे। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट में आना है और न्यू 3D एक्सटेंशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक 3D मोड आपका एक्टिव होगा। तो इस ये देखो, इसको आप 3D में एडजस्ट कर सकते हो कि आपने कैसे इसको लगाना था, ठीक है। ये 3D इफेक्ट आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि सेलेक्ट मेनू के रिगार्डिंग था, जिसमें हमने सारे ऑप्शन आपको क्लियर कराए हैं और आपने देखा भी होगा कि सारे ऑप्शन वेरी इजी वेरी सिंपल थे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।